शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। Bye.
दुनिया में हर मिनट करोड़ों अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं टेररिज्म का मुकाबला करने के लिए, और हर मिनट दुनिया के किसी न किसी कोने में टेररिस्ट एक नया प्लान बना रहे हैं किसी नई वारदात के लिए। शायद ठीक इस समय भी इस दुनिया के किसी और हिस्से में दस। वेरी गुड, वेरी गुड। हर वो दिन जब टेररिस्ट हारते हैं किसी को पता भी नहीं चलता, और हर वो दिन जब टेररिस्ट जीतते हैं तो पता नहीं कितनी मासूम जाने जाती हैं। और ऐसी ही हर जीत को हार में बदलने के लिए पता नहीं कितने ऑफिसर्स दिन और रात काम करते हैं। हमारे पास इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन है कि टेररिस्ट आज से 7 दिन बाद 10 तारीख को एक ऐसा हादसा प्लान कर रहे हैं जिसमें कम से कम 25,000 जाने जाएंगे। कब, कहां, कैसे, हमें कुछ नहीं पता। उनके पास प्लान है, नेटवर्क है, टारगेट है, और हमारे पास सिर्फ 7 दिन। पूरी टीम यहाँ मौजूद है और उम्मीद की जाती है कि वो इस खतरनाक सिचुएशन पर काबू पा लेगी। पंकज, चलो अच्छा है इनसे छुटकारा तो मिलेगा। शशांक, व्हाट प्रॉब्लम में बम तो फटने देगा नहीं वो। डोंट लुक बैक राघवन सर, चेक फ्रॉम द कार इफ समबडी इज लुकिंग एट अस फ्रॉम दैट बिल्डिंग। राइट सर। So you're right. बिल्डिंग के छत पे कुछ लोग हैं। कोई हमें उस बिल्डिंग से देख रहा है। अदिति, राघवन, पवार, कम विद मी, शशांक एंड रॉय, यू कवर अस फ्रॉम दिस बिल्डिंग, ओके? और शशांक, गोली जरूरत पड़ने पर ही चलेगी, ओके? सर। Who the hell smokes on duty here? Roy, let's move.
शशांक। शशांक हमारे साथ फिर से धोखा हुआ यार। क्या हुआ यार? ट्रेनिंग में जितने भी बॉम्ब डिफ्यूज किए थे उनके सारे वायर हरी या लाल थी, यहाँ तो सारे के सारे सफेद हैं यार। Figure something out. Yeah, I will. You know that. Oof. Dude, baby, I love you too. Still don't have a shot at Aditi. बड़े आए दो आपके दो मेरे। हाँ? हेलो, कम इन। डीजी बोस। गुड आफ्टरनून। डीजी सिन्हा। गृह मंत्री आते ही होंगे, पर आप शुरू कीजिए, मैं उन्हें ब्रीफ कर दूंगा। सर, पिछले 8 महीनों से हम एक ऐसे आदमी पर काम कर रहे हैं जिसका रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है। ये उन तमाम लोगों को कंट्रोल करता है जो हमारे देश में टेररिस्ट एक्टिविटीज फैलाते हैं। सर, 3 कंट्रीज का सपोर्ट है उसे। हमारे डिपार्टमेंट के कई लोग उसके लिए काम करते हैं। उसका एक आदमी पकड़ा गया है, बहुत जल्द उसके बारे में और जानकारी मिल जाएगी। आज सुबह का बॉम्ब ब्लास्ट भी उसी ने कराया है और हमारे पास पक्की इन्फॉर्मेशन है सर कि आज से 1 हफ्ते बाद 10 मई को वो एक ऐसा काम कराने जा रहा है जिसमें 20 या 25 हज़ार जाने जाएंगी। कैसे? पता नहीं सर। कौन है ये आदमी? वो भी पता नहीं। उसका कोई फोटो, कोई स्केच? नहीं सर। आप जानता क्या है उसके बारे में? उसका नाम सर जम्वाल। दिल्ली का दो ब्लास्ट तो आपसे संभाला नहीं जाता, अभी आके हमको आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स समझाता है, हमको गवर्नमेंट को जवाब देना पड़ता है। सर। हेलो सिद्धांत। हेलो सर। मिलना चाह रहे थे। ये राइडू साहब हैं, इंडस्ट्रीज मिनिस्टर, और यह है डीआईजी सिद्धांत। हाँ मालूम है, सवेरे देखा आपका इंटरव्यू टीवी पर। वेरी गुड, वेरी गुड। राइडू साहब आइए। सर मेरी बात हुई है इनसे। सर इनका कहना है कि आज जो बम ब्लास्ट हुआ है उसके पीछे एक बहुत बड़े टेररिस्ट का हाथ है। சொல்லுங்க। ஆமா இன்வெஸ்டிகேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டான், கொஞ்சம் ஓவரா போறான், நான் உன ஸ்டாப் பண்ணிடட்டுமா? मैं बताऊंगा उसके बाद क्या करना। मंजरेकर जी, स्वामी जी का फोन था, थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस है, डिमांड कर रहे हैं एटीसी को बंद करने के लिए। ये क्या बात कर रहे हैं राइडू साहब? हिंदी में, आपका भाषा में बात कर रहा हूँ। स्वामी जी बोला है तो बोला है। देखिए इस तरह नहीं होता है, आप मेरी बात कराइए, मैं देखता हूँ, मैं इस तरह से कुछ भी नहीं बंद कर सकता। 40 CMP से स्वामी जी का, सोच लो क्या करना है, सरकार चलानी है या एटीसी?
मैं आता हूँ। यहाँ क्या? तुम्हें क्या लगता है? ये लोग एटीसी बंद क्यों करवाना चाहते हैं? You are crossing the line. क्या नाम लिया था तुमने अंदर? हाँ, जमवाल। दोबारा मत लेना। किसी से भी नहीं। पता नहीं कौन दुश्मन बन जाए। जितना दिखता है ना, उससे बहुत बड़ा है ये सब। अगर आंखें बंद नहीं कर सकते, तो मुंह तो बंद रखो। Yes sir, got it sir. कैसे पता चला कि हमारा आदमी सामने की बिल्डिंग में है? अगर उनके बीच हमारा आदमी है, तो हमारे बीच उनका कोई तो आदमी होगा, यू नो? बीच का तो पता नहीं, लेकिन आगे पीछे जरूर है। ये होम मिनिस्ट्री से फैक्स आया है। अल्ताफ, क्या जानते हो तुम जम्वाल के बारे में? क्या करने वाला है जम्वाल 10 तारीख? सुना है इस बार ऐसा कुछ होगा कि आसमान फट पड़ेगा जम्वाल के नाम से। ऐसा कुछ नहीं होगा अल्ताफ, तुम सब कुछ बताओगे। सुल्तानपुर में तुम्हारे बीवी बच्चे हैं ना? थे। जम्वाल का उसूल है, जब भी कोई उसका आदमी पकड़ा जाए, सबसे पहले उसकी कमजोरियां खत्म कर दी जाए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजू। हमारे काम में दोस्त नहीं बनते, ना हमारे काम में ना तुम्हारे काम में। 25 साल की ईमानदार नौकरी के बाद एक फैक्स आ जाता है कि डिपार्टमेंट बंद करो। एक फैक्स, बातचीत की गुंजाइश भी नहीं। इट्स एन ऑर्डर। क्या कमा पाया मैं इन 25 सालों में? एक दोस्त तो छोड़ो, एक ऐसा इंसान भी नहीं कमा पाया जो मुझसे पूछे कि तुम क्या चाहते हो। ऐसा ही हाल तुम्हारा है अल्ताफ। अपनी जान खतरे में डालकर तुम्हारे लोग ये चाहते कि तुम ये चबाकर अपनी जान ले लो। क्या कमाया तुमने अल्ताफ? कुछ नहीं। क्यों ना तुम और हम दोस्ती कर लें? मैं तुम्हारे काम आऊं और तुम मेरे। वैसे दुश्मनी तो है ही, और 25 साल से दुश्मनी निभाता आ रहा हूं मैं। एक और सही। हाँ चल रहा है। हाँ हाँ, I'll keep you posted. रोजी अल्ताफ की फाइल। ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। ओके बाय बाय। अल्ताफ महाराज, सर का मूड खराब है। मूड इनका खराब है, रात हमारी खराब करेंगे। देखना लंबी मीटिंग होगी। पता नहीं क्या दिखता आपको इनमें। एक्चुअली मुझे भी समझ में नहीं आता, लेकिन स्टाइल है। सर वो फैक्स, सर कौन सा फैक्स? कहते हैं एटीसी एक हफ्ते में बंद हो रहा है। एक हफ्ते में नहीं, 7 दिन में।
और 7 दिन में दुनिया इधर की उधर हो सकती है। सात दिन में दुनिया इधर की उधर हो सकती है। हेलो, ऑल डीसीज इन द कॉन्फ्रेंस रूम राइट अवे। चलिए, ओके, सब लोग तैयार। इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग नाइट। खाना वाना मंगा ले। चाइनीज। शशांक, चाइनीज। सॉरी, आप आइए मेरी जगह। ऑफ कोर्स। आठ महीने पहले बल्गेरिया में मैंने एक एजेंट रखी है जिसका नाम नेहा है। अभी अभी नेहा का फोन आया कनाडा से कि जम्वाल का एक खास आदमी हिम्मत मेहंदी, जो जम्वाल की पैसों की देखरेख करता है, अरेस्ट हो गया है। ही वॉज ड्रंक एंड ड्राइविंग। नाउ लिसन टू मी केयरफुली, हियर इज माई प्लान। शशांक और आदित्य, तुम लोग वहां जाओगे और जैसे ही हिम्मत छूटेगा उसे किडनैप करके नेहा की बताई हुई जगह पे ले जाओगे। एंड देन मेक हिम टॉक जम्वाल के पते के बारे में और 10 तारीख को जम्वाल क्या करने वाला है। बट देयर इज अ प्रॉब्लम, मैं इस मिशन को ऑफिशियल नहीं बना सकता। मिशन के दौरान अगर तुम दोनों पकड़े गए तो ना मैं तुम्हें जानता हूं और ना आप लोग मुझे जानते हैं। अब हम पे डिपेंड करता है कि अगले 7 दिनों में हम लोग क्या कमाते हैं। आइए, या फिर ये। ऑल द बेस्ट बॉयज। सिद्धांत, शशांक कैसे जा सकता है? उसकी बहन की तो कल सगाई है। सगाई सुबह है, फ्लाइट रात को। अच्छा खासा पायलट बन रहा था, पता नहीं कब फंस गया। अच्छा है ना, यहाँ अकेला मरेगा। वहाँ पता नहीं कितने बेचारे मासूमों को लेकर मरता। You're funny. You know I'm funny. Yes. Let's rock, boys. Let's rock, sir. Let's rock. मेरी उनसे बात हो गई है। कहंदे मंडे तक छोड़ देंगे, निकलते फोन करना। हमेशा लगता था कि बहुत टाइम है इसके जाने में, लेकिन कम वक्त पता ही नहीं चला। ये देखिए आदित्य। प्लीज शशांक, आज मत लड़। तुमसे कहा। अरे आदित्य, अच्छा हुआ तुम आ गए। तुम्हें पता है ना यहीं से एयरपोर्ट जाना है। जी। कपड़े लाए हो? जी। अच्छा शशांक, एक मिनट जरा। शशांक, मैं ये सोच रहा हूँ कि विश्व से बचा क्यों लेते हो? जाने दे बेटा, जो हो गया सो हो गया। आज अन्नू की सगाई है। चेयर अप। बहुत खूबसूरत लग रही हो। तुम्हें तो मैं हमेशा खूबसूरत लगती हूँ। आई नो। अनु, तुमने बहुत अच्छा किया। पता नहीं मैंने अच्छा किया कि नहीं, लेकिन ये कमबख्त नौकरी, रोज रात को 2 बजे आना और सुबह को 6 बजे निकलना, और फिर क्या पता एक दिन फोन आता कि मैं कभी नहीं आऊंगा, फिर मिनिस्ट्री से एक चिट्ठी और एक मेडल।
You deserve better than that, Anu. Much better. Hey, no more flirting with my princess, huh? Okay, I'm guilty. Come here, man. You lucky guy. Congratulations. Thanks, man. Namaste. Thank you. Ah. Namaskar. Aye, aye. Hello. Aye. Hi, Shashank. कहते हैं बहके बहके से हम होते हैं जो कहना चाहे वो कह भी जाए ऐसे लम्हे तो कम होते हैं प्यार में कोई नई बात नहीं ये ऐसा जो हो जाए ढूंढे निगाह जब हर पल उसको अपना दिल खो जाए आंखों में जो चेहरा उसका थोड़ा सा धुंधला है रे चम से वो आ जाए चम से आ जाए चम से वो आ जाए मन पे छा जाए चम से वो आ जाए चम से आ जाए ए, दिल कुछ कहता है लब कुछ कहते हैं बहके बहके से हम होते हैं जो कहना चाहे वो कह भी जाए ऐसे लम्हे तो कम होते हैं कोई नई बात नहीं ये ऐसा जो हो जाए ढूंढ निगाहें जब हर पल उसको अपना दिल खो जाए आंखों में जो चेहरा उसका थोड़ा सा धुंधला है रे छम से वो आ जाए छम से आ जाए छम से वो आ जाए छम से आ जाए छम से वो आ जाए मन पे छा जाए जब उसकी ही याद में दिल घबराए रे छम से
क्या है लव कुछ कहते हैं बहके बहके से हम होते हैं जो कहना चाहे वो कह भी जाए ऐसे लम्हे तो कम होते हैं प्यार में कोई नई बात नहीं ये ऐसा जो हो जाए ढूंढे निगाहें जब हर पल उसको अपना दिल खो जाए आंखों में जो चेहरा उसका थोड़ा सा धुंधला है रे छम से वो आ जाए छम से आ जाए छम से वो आ जाए मन पे छा जाए चलो चलो बहुत देर हो गई चलो मैं जरा पेप्सी पी के आता हूँ ए पेप्सी तो अंदर भी मिलेगी समझा करो पेप्सी अंदर नहीं मिलती है ना कहाँ गए ये वो पेप्सी लेने जल्दी आइएगा आप उसे कभी ना आने कहते ना काश मेरा भी एक बड़ा भाई होता गौर से देखो शायद हो थैंक्स ब्रो लड़ाई मत करना उसका ख्याल रखना और अपना भी एक्चुअली वो मेरा ख्याल रखता है सी यू लो आ गया पेप्सी पी के टेक केयर माय सिस्टर आई विल ओके सी यू बाय रॉय जाइए टेक केयर अदिति बाय बाय टेक केयर फॉर सो Bye, Roy. Hey. Rocket, thank you. Cigarette piye tune? Nahi dada, main kyun? Mehak kaise aati hai? Mehak kaise? Dada, I'm getting late. I have to go. Bye. Sir, वहाँ पहुँचते ही फोन करते हैं. वहाँ से फोन नहीं करना. Okay, नहीं करते हैं. चलना. चल रहा हूँ ना यार. चलें सर मैंने कहा था रॉय कि तुम अगले मिशन पर जाओगे पर इट्स ओके सर शायद मैं इस लायक नहीं हूं कि अरे मैं इस लायक नहीं हूं मैं अकेला नहीं रह सकता मुझे तुम्हारी सख्त जरूरत है ओके मैं हमेशा आपके साथ हूं सर सी यू इन द ऑफिस यस सर क्या हुआ कुछ नहीं हां बेटा एक बात बोलूं आप जब बेटा बोलते बहुत अच्छा लगता है मुझे भी आई लव यू बेटा लव यू टू दादा बाय चलें आई एम वेटिंग फॉर यू ओनली इडियट जे आई एम वेरी श्योर दिस इज नॉट द वे कौन से रास्ते पे आ गए तो मेरी बात कभी नहीं सुनते जल्दी पहुंच जाएंगे शॉर्टकट है ये किधर तुम और तुम्हारे शॉर्टकट्स अब मेरी बात सुनो टेक अ लेफ्ट मुझे याद है राइट जाना है राइट ही जाना नहीं बाबा लेफ्ट जाना है राइट जाना है लेफ्ट जाएंगे तो एयरपोर्ट आ जाएगा नहीं आएगा लेफ्ट लो ना मुझे मालूम है ये सही कह रही है लेफ्ट चलो चलो क्या सोचा तुमने दोस्ती या दुश्मनी दोस्ती तुम्हें जरूरत है मेरी दोस्ती की अब देखना ये है कि कीमत क्या मांगते हो तुम इस दोस्ती की हम ज्यादा वफादार हैं तुम्हारे डिपार्टमेंट से हम पैसा भी देंगे और दोस्ती भी दुश्मनियां तो वैसे ही बहुत कमा चुके हो तुम तो क्या ख्याल है दोस्ती या दुश्मनी हेलो एक
बार और हाथ उठाया अल्ताफ पर तो तकलीफ तुम्हें होगी। हमें अल्ताफ चाहिए, कब और कैसे तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। और हाँ, तुम्हारी बहन और बहनोई हमारे साथ हैं, उनकी सगाई की खुशी में एक छोटी सी पार्टी रखी है। हेलो हेलो, शशांक वो है नहीं। गोरी है। अरे यार शशांक, जितनी गोरी उतनी उतनी अच्छी है यार। साला लफंटू, पिटेगा एक दिन। प्राइवेट नंबर। बहुत खूबसूरत थी ना वो। अजी चेहरे तक नजर ही कहां पहुंची। सामने उतनी खूबसूरत एक गाड़ी खड़ी है। हमर राइट उसके ठीक पीछे पार्किंग लॉट से बाहर निकलती है। हाईवे 13, 12 किलोमीटर। मैं दोबारा फोन करती हूँ। हेलो हेलो नेहा, शिट यार, वो गाड़ी हाईवे नंबर 13 दोबारा फोन करेगी। कहाँ कब कुछ पता नहीं। शशांक वो गोरी नेहा बैठे थी, आई एम टेलिंग यू। शशांक शशांक, ए शशांक, अगर तुम चाहो तो तुम गाड़ी चला सकते हो। आदित्य, yeah. तुम्हारा बैग। ऑफ कोर्स, वो तुम्हें लाने वाला था। यार पता नहीं लोग सिगरेट क्यों पीते। जो नहीं पीते वो कभी नहीं समझेंगे। हाँ, और जो पीते बताने के लिए जिंदा नहीं रहते। जो रोज तुम्हें झेलते हैं उनका ये एक सिगरेट क्या बिगाड़ेगी। कुछ सुनाई दे रहा है? हाँ, तुम्हारी बकवास, सो शट अप। नहीं नहीं, इस बकवास के पीछे भी कुछ है। स्पीड बढ़ा, कम कर, बढ़ा। शशांक, वी जैक, गाड़ी में बॉम्ब है। ओह, यू फनी। नॉट दिस टाइम। या सीरियसली, या आइडिया, स्पीड कम मत करना, मैं पीछे चेक करता हूँ। सुबह से सोच रहा था तुम आओगी या नहीं। मैं भी सुबह से सोच रही थी मैं आऊँ या नहीं। थैंक्स फॉर कमिंग। अच्छा, तुम गाड़ी नहीं लाए? नहीं, जानता तो तुम आओगी तो मना लूंगा घर वापस आने को, सोचा साथ ही लौटेंगे। बॉम यहाँ तो नहीं मिल रहा यार। बॉनेट, तुम्हारी बूट बंद नहीं बंद नहीं होती? कभी कभी ठीक करानी है। सुशांत रेड लाइट। अरे मैं क्या करूं, तूने ही तो बोला स्पीड कम मत कर। यार
चला रहे? The bloody damn Dad, kill some. अरे रुको, Dad! तुम ड्यूटी पर नहीं हो, Dad. तुम अपनी बीवी के साथ हो. Dad, शहर में और भी पुलिस वाले हैं. Damn it, stop it! Duty, damn it! Just look out the car and try and understand. See what they're doing. They might kill someone, right? I said stop the car! Shashank, bomb aa gayi hoga. Ab ye kaun chupa gaya? Usko bata ke bomb hai yahan pe. Foreign neutral le lega. Aditya, samjhao us pagal ko. कबीर को नहीं मारा, डैमिट! मैंने अपने कबीर को नहीं मारा। या, शशांक मेरे शेर! अरे ऐसे तो पुलिस वाले भी पीछा नहीं करते यार। बॉम्ब, शशांक रेवी मेरे कहाँ है? क्या शकल है? एक्सेलरेटर से पैर मत धड़ा। शशांक, प्राइवेट नंबर, पहली गाड़ी में बॉम्ब रखा था, इस बार तो उड़ा ही देगी। मैंने तो पहले ही आंखें बंद करके रखी थी। मैं पिछले 8 महीनों से इस केस पर काम कर रही हूँ। आज से ये केस तुम्हारे हाथ में है।
देख रही थी कर पाओगे या नहीं, टेस्ट था, तुम पास हो गए। नेहा डाउनटाउन पुलिस स्टेशन यहां से कितनी दूर है? 11 बजे वहां पहुंचना है। हम पहले घर जाएंगे। हाँ बस कपड़े ही बदलने, नहा तो हम पहले ही चुके है ना। होम प्लीज, आई एम फीलिंग कोल्ड। बिजी? बहुत परेशान लग रहे हो। हम में से कोई उनके साथ है? इतने प्यार से एक एक करके मैंने यह परिवार बनाया और हम में से एक किसी पे शक है? सब पर, मुझ पर भी? हाँ तुम पर भी। अनु और जय उनके पास हैं। क्या सोचा है? सोचा है कुछ? मेरी जरूरत पड़े तो मुझे बता देना। गुड मॉर्निंग। अबे चल टाइम मैं बताता हूँ, बहुत परेशान किया। अबे चल अंदर बैठ। क्यों ले जा रहे हैं आप गाड़ी में? क्यों बता रहे हैं? बता दे कहाँ ले जा रहे हैं? क्या कर रहे हैं आप लोग? आप हैं कौन भाई? अरे गौर से देखे, तुम हमें जानते ही नहीं। हिम्मत मेहंदी। हिम्मत मेहंदी? कौन हिम्मत मेहंदी? और देखिए भाई साहब, आपको ना कोई गलती हुई है, मेरा नाम हिम्मत मेहंदी नहीं है, मेरा नाम तो जेडी है। ओहो, शशांक जेडी बोल रहा है यार, वो विस्की का नाम नहीं है क्या? देखिए आप समझने की कोशिश कीजिए, मेरा नाम हिम्मत मेहंदी नहीं है, मेरा नाम जेडी है। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा ना तो आप चलो मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो। अभी क्या टाइम क्या हुआ है? बस अभी 5 मिनट पहले तो मुझे पुलिस स्टेशन छोड़ा गया। जिस गाड़ी में तुम बैठे थे उसका एक्सीडेंट हुआ है कि नहीं? ए हिम्मत मेहंदी, दो रास्ते, या चुपचाप मान जा या मार खा के मान जा। हाँ क्या सोच रहा था? कॉलर पर से हाथ डाल। तेरी तो कॉलर पे हाथ कैसे डाल दिया तूने? एक बात तो तय है, सुबह जो आदमी हमारा पीछा कर रहा था वो पुलिस वाला था। तुझे कैसे पता? क्योंकि वो अभी भी हमारा पीछा कर रहा है। शिट, शशांक शहर के बाहर ले जा। अबे तू क्या? Out with your hands behind your head, quick. कहाँ हैं तुम लोग? देखिए सर, हम लोग हमने अभी तक कुछ बोला ही। तुम्हारी शक्ल पे ही लिखा है कि तुम झूठ बोलने वाले हो। तो सच बोले? फिर मार क्यों रहे हो भैया? बता दो क्या बोलना है, बोल देंगे। अच्छा, आज सुबह कॉल नंबर 3310 लेकर कहाँ जा रहे थे? कहाँ पहुँचना था? तुम्हारी वजह से वो चली गई। मेरी वजह से? हाँ, एक साल बाद लौट रहे थे। अरे ये किसके बारे में बात कर रहा है यार? वो कौन है? दोस्त है हमारा। और मैं कोई दोस्त वोस्त नहीं हूँ जी, इनका इन लोगों ने बहुत मारा है मुझे। और ये जो गोरा वाला है ना, इसने तो मेरे को 10 पाउंड का मुक्का मारा है। बकवास कर रहा है, मेरे पापा भी मुझे 25 बैग की चपेट मारी है। अरे ये झूठ बोल रहा है सर। क्या बोल रहा है? मैं नहीं बोल रहा भाई साहब, आप मेरी बात सुनिए, मेरी बात समझिए। क्या क्या हुई? और साइड का तो पापा जी, कम ऑन लेट्स गो।
कौन है ये लोग? जो भी हैं बहुत गुस्से में। ये तो क्या? अंदर ले आते हैं। पागल हो गया क्या शशांक? अंदर ले आएंगे तो खुद अंदर जाएंगे। पुलिस वाला यार। तो फिर वही करते जो पुलिस वाले को करना चाहिए। का छर्रा और एक आदमी। मुझे देखो जी, मेरी शर्ट पे खून है और ये लोग मान नहीं रहे कि मेरा नाम। मान जाइए कि अब हिम्मत मेहंदी है और कोई रास्ता नहीं है। कमाल है, इसको कैसे पता चला कि मेरा नाम हिम्मत मेहंदी है? चल अंदर जाके पता करते हैं। अंदर बैठने की जगह है? इसे क्यों ले आया? इसे छोड़ा था तो पता नहीं और कितनों को ले आता, और छोड़ाने का दिल भी नहीं हुआ। दिल है तुम्हारे पास? अब तक तो है। नाम? नाम तो आप ही ने बताया था जी। हिम्मत मेहंदी। उम्र? वैसे तो 44 साल है जी, पर पासपोर्ट में ना 2 साल कम लिखवाई हुई है माँ बाप ने। अनपढ़ है जी। यहाँ क्या कर रहे हो हिम्मत? ओ जी, आप मेरे को जहाँ पर लेकर आए हो और आप ही मेरे को पूछ रहे हो कि मैं जहाँ पर क्या कर रहा हूँ। यहाँ कनाडा में क्या कर रहे हो? कनाडा में तो मेरे को बुलाया गया था जी। किसने बुलाया? वो तो आप जानते ही हो। वेरी फनी। क्यों? ये तो पता नहीं जी। 10 तारीख को क्या हो रहा है? क्या हो रहा है जी? होली तो होती नहीं है मई में। जम्वाल क्या कर रहा है? बाबूजी, जम्वाल कब कहाँ क्यों कैसे क्या करता है ये किसी को पता नहीं होता है जी। क्या बताओगे इसे? सब कुछ। क्या? सब कुछ। ये पुलिस वाला है इसीलिए। नुकसान कर सकता है तुम्हारा? नहीं करेगा। तुम्हें कैसे पता? कुछ चेहरे देखते ही समझ में आ जाता कि उनसे रिश्ता बन सकता है। और फिर कुछ होता है ऐसे रिश्तों का? कभी कभी हो भी जाता है। हिम्मत मेहंदी। दारू है जी, पीला। क्या करते हो जम्वाल के लिए? पैसे को चलना सिखाता हूं। कौन सा पैसा कब चलेगा, कौन सा पैसा कब रुक जाएगा, कौन सा पैसा उड़कर समंदर के पार जाएगा। डॉलर है, दिनार है, पाउंड है,
काला पैसा है, सफेद पैसा है, नीला पैसा है, हरा पैसा है, दूसरे का पैसा है, अपना पैसा है। बात करता हूँ मैं पैसे से, खेलता हूँ पैसे के साथ, जम्वाल के पैसे के साथ। जम्वाल का पैसा कहाँ से आता है, कब देखना चाहिए, कब छुप जाना चाहिए, यही सब करता हूँ। कुछ भी हवा के अंदर नहीं है, सब कुछ यहाँ है अंदर। कोई अंदर चाक नहीं सकता ना, ये ना बस यही सब करता हूँ मैं जम्वाल के लिए। तो तुम उस पागलपन के पीछे का पैसा? मैं तो पैहा हूँ बाबूजी, पागल तो दुनिया है। एक छोटा सा मामूली सा आदमी पंजाब से उड़कर यहाँ कनाडा आता है, छोटा मोटा वाले का काम करता है, इधर का पैसा उधर कर देता है, फिर उसको एक बहुत बड़ा पैसा दिया जाता है इराक से अमरीका ले जाने के लिए, बोले जाता है। फिर कुछ दिनों के बाद पता चलता है 360 मरे। वो आदमी घबरा जाता है, सोचता है कि आज के बाद कभी जम्वाल के साथ काम नहीं करेगा। पर जम्वाल कभी किसी की ना नहीं सुनता ना, जम्वाल उसको कार से उठा लेता, फिर वो आदमी वही करता है जो जम्वाल कहता, और तब तक करता रहेगा जब तक जम्वाल कहता रहेगा। देखो भाई जी, आप दो हिंदुस्तानी सिपाही और यह अधूरी सी नन्नी सी जान, अरे जन गण मन गाते हुए जम्वाल की चुटकी के अंदर समा जाओगे। भाई जम्वाल सब देख रहा है और वो कभी माफ नहीं करता, अभी भी टाइम है, अगर देर हो गई ना। देर हो जाती लेकिन अब नहीं होगी। यू गाइस आर अंडर अरेस्ट, सुन चुका हूँ सब कुछ। Put it down, officer. क्योंकि हम जिस मिशन पर हैं, उसमें गोलियों का हिसाब नहीं दिया जाता। पिछले 17 सालों से हजारों गोलियां मायूस वापस लौटे हमारे पास से। हमारा निशाना कभी नहीं छुपता। लेकिन पहली गोली हमेशा हम चलाते हैं। हम बात कर सकते हैं। Of course. लेकिन बंदूकें नीचे करके down. क्योंकि अगर एक भी गोली चली तो चांद किसी की बिछाए मारे तुम लोग जाओगे। हमारी इंटेलिजेंस के मुताबिक इस महीने के 10 तारीख को जम्वाल नाम के क्रिमिनल ने बहुत ही खतरनाक हादसा प्लान किया है। उसी इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले में हम लोग यहाँ हैं और यही वो एक आदमी है जो हमारी मदद कर सकता है। सो राइट नाउ आई नीड यू टू कोऑपरेट विद मी ऑफिसर। और वक्त बहुत कम है ऑफिसर। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा एंड थैंक यू फॉर सेविंग माय लाइफ गाइस। और हम इस घर में नहीं रहेंगे, मेरे घर में रहेंगे। और इसका कार कहाँ है? ऑफिस में किसी पे भरोसा करने की हिम्मत नहीं होती। आज मैंने एक कलीग को नहीं उसे बुलाया है जिसे मैं प्यार करता हूं। आज मैं वो काम करने जा रहा हूं जिसमें कुछ भी हो सकता है, मुझे, हमारे परिवार को। अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम सबका ख्याल रखना, तुम सबसे बड़ी हो। दस तारीख को क्या होने वाला है? थोड़ी सी एक बैग। अरे थोड़ी सी एक बैग और। ए देना इसको प्लीज यार, नॉनसेंस।
10 तारीख को क्या होने वाला है। बाबूजी सारी कहानी तो सिर्फ जम्वाल को ही पता होती है, बाकियों को तो अपने अपने हिस्से ही पता होते हैं। सितार को पता होता है कौन सा तार छेड़ना है, तबले को अपनी ताल पता होती है, सारंगी को अपना सुर पता होता है जी, और फिर दूर कहीं बजती है शहनाई। और जम्वाल के आसपास ही कहीं पड़े होते हैं कुछ मृदंग और दो तबले। ते प्यारे हो तब फिर उठते हैं जम्वाल के हाथ और बजता है जी संगीत। हजारों चले जाओ ना जहाँ से, तुम्हारे पले की कह रहा हूँ मैं। दिखता कैसा है? ये सवाल मत पूछो, जिसको पता चला है वो बचा नहीं है आज तक। दिखता कैसा है? अब भाई बहुत सारा लंबा है, ऐसे शेर जैसी चाल है उसकी, कुंगराली से बाल हैं, और मुस्कान उसकी ना बिल्कुल ऐसे बच्चों जैसी है, छोटे से बच्चे जैसी। बाबू जी आँखों के बारे में तो पता नहीं है, किसी ने उसकी आँखों में कहते हैं आज तक देखा नहीं, सुना है जी, कहते हैं मौत रहती है वहाँ। जम्वाल के भाई को ना जी पुलिस ने पहचान लिया था, सब परेशान थे जी कि क्या होगा, लेकिन बाबूजी जवाब तो सिर जम्वाल के पास ही था। क्या जानते हैं तुम उसके बारे में? ओह बड़े वाले भाई साहब, जितना मैं जानता था उतना मैंने आपको बता दिया जी, अब इससे ज्यादा जानने की कोशिश ना करो, अपने बीवी बच्चों का ख्याल करो। जाते बीवी वापस नहीं आने वाली, मेरी बीवी वापस नहीं आने वाली, और सवाल रहा मेरे बेटे का, उसे तो मैं खुद मार चुका हूं। तू क्यों मारेगा? तू क्या मारेगा? तू क्या मारेगा? तू क्यों मारेगा मेरे बच्चे को? तू क्या मारेगा? क्या मारेगा मेरे बेटे को? सर एंट्री कर दूं? ओके सर। अपने लोगों से तो छुपा लोगे, मेरे लोगों से कैसे छुपाओगे? आगे मेरी बंद करते हो, देख खुद नहीं पाते?
सिद्धांत, क्या तुम्हें सचमुच लगता है मैं उनके साथ हूँ? दो छोटे भाइयों को ऐसे खतरे में भेज दिया, उनकी खबर भी नहीं ले सकता और तुम पर शक करना पड़ता है। I hate this job. सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। हेलो, अल्ताफ को हटा दिया वहां से? ऑफिस में क्या कर रहे इतनी देर तक? एमजी रोड पे जाओ, तुम्हारा भैनोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। और हाँ, गाड़ी जरा संभाल के चलाना। क्या हुआ? चलो मेरे साथ। वो खुद को काफी बर्दाश्त कर लेता है। मैंने सोचा इतनी मार खाने के बाद खुद ही मर जाएगा। जानते हो उसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आती है? He is absolutely convinced कि जम्वाल हमें मारकर उसे बचा कर ले जाएगा। Right. भक्त है जम्वाल का। I have an idea. अगर हम उसे ये यकीन दिला दें कि जम्वाल उसे ही मारना चाहता है तो? Good idea. He'll definitely crack up. अगर उसे बिलीव हो जाएगा तो वो जरूर बोलेगा। Great. Then we do it tonight itself, right? क्या बोला था आपने कल? क्या बोला था? कि आपने अपने बच्चे की जान ली? शशांक, I don't want to talk about this here. करनी पड़ेगी। मैंने कहा ना मैं बात नहीं करना चाहता। करनी पड़ेगी डैन। मैंने कहा ना इस बारे में बात नहीं करना चाहता। करनी पड़ेगी डैन। I want to know. शशांक, it's personal. No. It's not personal. शशांक, it's not personal at all. हम इसके साथ काम कर रहे हैं, इसके घर में ठहरे हुए हैं, ये हमें रास्ता दिखाने वाला है। मैं जानना चाहता हूं कि मैं किसके साथ काम कर रहा हूं, किसके घर में ठहरा हुआ, हमें रास्ता कौन दिखाने वाला है? एक ऐसा आदमी जो खुद अपने बच्चे की जान ले सकता है? So you understand, Dan, it's not personal at all. I want an answer. तुमने अपने बच्चे की जान क्यों ली? मैंने अपने बच्चे की जान नहीं ली। प्रिया प्रेग्नेंट थी, अगले दिन उसे डिलीवरी के लिए एडमिट करना था और मैं उसे हमारी फेवरेट जगह पर लंच करवाने ले गया। बी केयरफुल, धीरे, बी केयरफुल, ओके ओके, ठीक है, कम, आ जाओ। ये लमाजी आ गए। Good to know. Bye, Laguma. We get his dear. Tu zi zer shown aus. As we done it, talk design. Nein. As we done it, ladka yoga aur maine naam bhi soch kar rakha hua. Kabir. Eine talk design. Table ready hai mera? Yeah, bitte. Chalo, sit. You okay? Yeah. Tum dono ko ek dusre ki bhasha samajh mein aati hai kya? Bhasha to samajh mein nahi aati, lekin baat samajh mein aati hai. It's crazy, na? Kya logi? Main Give me the money. No. Give me the money. Give me the money. Give me the money! Dan! Hey. Dan! 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 Hey. Dan, stop it! Dan! Dan, what is it? Dan! Dan! Dan, what is it? Dan! Dan! Stop it! What is it? Dan! Leave him alone! I'll kill her! I swear I'll kill her! Hey! I swear to God I'll kill her! Damn it, I said don't! Johnny,
उसके बाद प्रिया मेरे साथ नहीं रह पाई। वो जब भी मेरे साथ होती उसे कबीर याद आता, और याद आता मेरा वो वैशी चेहरा। मैंने कई बार उसे वापस लाने की कोशिश की। आज तक कोशिश ही कर रहा हूं। शशांक मैंने गोली चलाई थी उस गुंडे पर को अपने कबीर को दिया, अपने कबीर को खो दिया मैंने। मैंने अपने बच्चे को नहीं मारा, मैंने अपने बच्चे को नहीं मारा शशांक। मुझे नहीं पता। सिर्फ एक बार पूछूंगा। नहीं पता। हमने ओथ ली थी कि हम अपनी जान की परवाह नहीं करेंगे। Why our families? हमारी families क्यों सर? हम उनकी families को मारते क्या? इस बेचारे ने क्या बिगाड़ा था? Why should he die like this? हम तो अपना काम कर रहे हैं सर। Why should I lose suffer? अन्नु को कुछ नहीं होगा। मैंने उन लोगों से बात कर ली है। आज मैं उनको अल्ताफ वापस लौटाऊंगा। अदिति और तुम मेरा बैकअप करोगे। यस सर। आज शाम को ढोलकुआं वेयर हाउस। हम आधे घंटे पहले पहुंच जाएंगे सर। मैं अदिति को ठीक 5:30 बजे पिकअप करूंगा।
o'clock. It's 9 o'clock. One target, 7. सिद्धांत ने यहाँ पहुंचने का वक्त नहीं बोला था रॉय, सिर्फ शाम का था। ठीक है ना तू बेटा? फौरन बोलना शुरू कर, मैं 3 तक भी नहीं गिनूंगा। आसिफ और इरफान, जमाल के 2 आदमियों ने जमाल से बगावत की थी। 10 तारीख से पहले मुझे उन दोनों को कनाडा जाके मारना था, क्योंकि वो 10 तारीख को जमाल का काम खराब करने वाले थे। मैं इसके अलावा कुछ नहीं जानता। अजय, there was 99 at 20 hours. We are the rat in the house. Scan database. Revise all passwords. File name is Tango. RP. System generating 211. Okay. Seal all outgoing communication. And I want you to look into this. System generating 211. Seal all outgoing communication. Bravo 1 to the Beacon Street 05. Bravo 1 to the Beacon Street 05. 99 not to be reported. Do you copy me? 99 not to be reported. Subject engaged in preliminary. Prepare subject for 5. Prepare subject for 5. Everyone clear the room now. ऐसा क्यों किया रॉय? मेरे बाबा 12,500 पर रिटायर हो गए। मैं शायद 22,000 पर हो जाता। उन्होंने इतने पैसे बोले सर कि कुछ याद नहीं रहा, ना ये डिपार्टमेंट, ना आप, और नो। जम्बाल के बारे में क्या जानते हो? आपसे ज्यादा नहीं जानता सर। 10 तारीख को क्या होने वाला है? पता नहीं सर, पर इतना पता है कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। इस पूरे ऑपरेशन का नाम कोड नेम जीत है, और बाकी आप मेरा कंप्यूटर तो स्कैन करेंगे ही। तुम पे भरोसा कैसे करूं रॉय? मैं आपसे और झूठ नहीं बोल सकता सर, मैं आपसे और झूठ नहीं बोल सकता। क्यों कैसा तुमने? क्या बोलूंगा बाहर जाकर कि तुमने ये सब पैसों के लिए किया? नहीं सर, बाकी के लोग भी 22,000 में रिटायर हो जाएंगे। कौन करेगा इंटरोगेट तुम्हें? किससे हाथ मिला पाओगे तुम रॉय? सर, आपने हमेशा रास्ता दिखाया है। प्लीज ऐसी कोई सजा दीजिए जो काफी हो। प्लीज सर, मैं ऐसे नहीं जी सकता।
प्लीज प्लीज सर 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 मैं जानता हूँ आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं पर प्लीज मेरी सजा कम मत कीजिए सर वैसे नहीं जी सकता सर प्लीज प्लीज सर सर मुझे I can't believe this. पता नहीं कब से ये और हम नहीं सोच सके कि हमारे अपने ऑफिस में He was such a hardworking guy. I don't know what happened. Anyway, उसके हार्ड डिस्क को हम स्कैन कर रहे हैं What the hell was that? आप टेंशन मत लीजिए आप बैठ जाइए हम लोग हैं ना थ्री शॉट्स क्लोज रेंज गॉड चेक द हाउस शिट झूठ था जी मैं जो कुछ भी सोचता था झूठ था ये जम्वाल जैसा आदमी तो कभी किसी का हो ही नहीं सकता मुझे मारने के लिए आदमी पे ही दिया उसने मैं ही पागल था जो समझता था कि जम्वाल को मेरी जरूरत है कितनी मुसीबत में उसका साथ दिया मैंने एक बार पकड़ा गया बस एक बार वो भी आप लोगों ने मेरे को पकड़ लिया तो वो मेरे को मार डालेगा अब मेरे को कोई नहीं बचा सकता हम बचाएंगे आप कोई नहीं बचा सकता अब बैठ जाइए रिलैक्स इनके कमरे की खिड़की खुली थी शायद वहां से आया होगा हां देख लो जी ओ भाई साहब मुझे भाग जाना था यहां से कोई नहीं मारेगा कोई नहीं मारेगा हम बचाएंगे आपको हमें आपके साथ अरे मुझे जम्वाल से कोई नहीं बचा सकता कोई और कोशिश भी नहीं करेगा सिर्फ इतना बता दो कि जम्वाल मिलेगा कहां और हमने उसे मार दिया तो फिर तुम्हारी जान को कोई खतरा नहीं अब भाई लेकिन अगर नहीं मार सके तो फिर बचाते रहेंगे यार अगर मार दिया तो मेरे को छोड़ दोगे जी यार मैं भाई गॉड की कसम खाकर कहता हूँ मैं कभी किसी टेररिस के साथ नहीं दूंगा अपने गांव चला जाऊंगा पर तो आगे बढ़ गया यार मैं यहाँ पे ठीक है जाने देंगे लेकिन जम्वाल की मौत के बाद देखो भाई जी सच बात यह है कि मेरे को भी नहीं पता कि जम्वाल कहाँ पे है पर पिछले हफ्ते आसिफ और इरफान ने उसके साथ बगावत की थी तो उनको जरूर पता होगा तो मैं आपको आसिफ के पास ले चलता हूँ
time. Toba teri hai hum razi, toba teri hai hum maazi, toba teri hai dil saazi, ye dil saazi, dil saazi. Toba lagu ki guftari, sheeshe pe zang bari, toba teri dil aazari, dil aazari, aazari. सॉरी है जी, वेरी सॉरी है कि मैं इन लोगों को लेकर यहाँ पर आ गया, पर ना मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं था। आपको पता नहीं ये लोग पिछले 3 दिन से ना मेरे को बहुत बुरी तरह से मार रहे हैं। मेरी ये हालत ना एक्सीडेंट वाली कार जैसी है, जिसका ना स्टीयरिंग चल रहा है, ना ब्रेक चल रही है, ना बीपी। जम्वाल का पता पूछ रहे हैं मुझसे। अरे अब आप बताओ आसिफ भाई, मैं इनको जम्वाल का पता बता सकता हूँ? आप इनको समझाओ कि मैं इनको जम्वाल का पता नहीं बता सकता हूँ। फिर मैंने सोचा कि जम्वाल से झगड़ा करने की हिम्मत या तो आसिफ भाई में है या इरफान भाई में है। तो इरफान भाई तो मेरे को पता नहीं कहाँ पर हैं, आप ही बता दो, नहीं तो मेरे को इरफान भाई को ढूंढना पड़ेगा। नहीं पर मैं ढूंढ तो जरूर लूँगा, आप बता दो ना कहाँ पे हैं। आपको पता है मेरे बहुत सारे काम रुके हुए हैं, मुझे बहुत सारे काम किसी भी तरह से ख़त्म करने हैं। जम्वाल किसी को माफ़ नहीं करता, कभी माफ़ नहीं करता, इस बार भी नहीं करेगा। यू नो आसिफ भाई, मेरी खातिर बता दो यार, बता दो यार मेरी खातिर। अरे बताता क्यों नहीं है? कल शाम 5 बजे कैनमोर। देखा, इसको कहते हैं जम्वाल का डर। अच्छी लड़की है, जाने मत देना। चली जाती है ना तो बहुत तकलीफ होती है। अब मुझे ही देखिए, कल डिवोर्स पेपर साइन करने जा रहा हूं। यहां बात कर लो, सारी एग्रेशन काम में इस्तेमाल करोगे क्या? हाँ, अब आप दादा की तरह बात कर रहे हैं तो दादा ही समझ लीजिए। अच्छी लगती है, प्यार करते हो? पता नहीं। क्या पता नहीं, hey, जाओ बात कर लो। नहीं मैं नहीं। Come on, नहीं, जाओ। नहीं, नहीं नहीं क्या जाओ, come on, go, 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 go. जाओ। नेहा वो hey,
वो मैं कॉफी। तुम कुछ कहना चाहते थे? नहीं हो, फिर कभी। इसे ट्रांसफर कर दो। यस मैम। I need you to see something. Roy के hard disk में एक secret partition है, जिसका नाम है जीत, जैसा उसने हमें बताया था। उसमें बहुत सारी emails थी जो चाली नाम के आदमी को भेजी गई थी। रेनू ने जब सर्वर ट्रेस किया तो पता चला कि करोल बाग के साइबर कैफे से वेंकट नाम का आदमी इन emails को एक्सेस करता था। मैंने राजू को उसके पीछे लगाया है। तुम सही कह रहे थे, हम जितना सोच सकते हैं उससे बहुत बड़ा है ये सब। वेंकट प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में काम करता है, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। चलाई गई है, कुछ भी नहीं बचा। मैं कंप्यूटर चेक करती हूँ। में भी जीत नाम का पार्टीशन है। लॉट्स ऑफ कोडेड ईमेल्स, लेकिन सिर्फ एक नया नाम, बिलाल मसूद। दस तारीख को पीएम कनाडा में है। कनाडा में पीएम की जान को खतरा है। तो तुमने बॉस को बताया क्यों नहीं? बताने जा रहा था कि रॉय याद आ गया। जब अपने ऑफिस में किसी पर भरोसा नहीं तो फिर किस पे? आज रात को मैं कनाडा जाऊंगा। अभी तक ठीक नहीं करवाई आपने, ठीक करवानी चाहिए थी आपको। पता नहीं। ओके ओके ओके, क्वाइट 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 क्वाइट, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, इजी इजी, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। कौन है? मुझे नहीं पता। ओके ओके, कहाँ गई थी तुम? पता नहीं, स्कूल गई थी, स्कूल से लेके घर गई थी। Leave it up to me. I'll give you a call as soon as I find out something, okay? Take care. Okay? I owe you one, bro. Thank you so much.
अल्लाह अल्लाह हुआ। अगर वो मर गया तो वो जम्वाल नहीं हो सकता। वो मर गया हिम्मत। हिम्मत, जम्वाल को हमने मार डाला। रेस्ट अश्योर्ड, अब तुम आजाद हो, जम्वाल से भी और हमसे भी। जी मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि जम्वाल से मेरा छुटकारा हो जाएगा। अब मैं ना जी ये हवाले का काम ही बंद कर दूंगा, वहाँ अपने गांव चला जाऊंगा जी, वहाँ मुर्गियाँ शुर्गियाँ पाल लूँगा। आओ, वैसे तो आपने बहुत मारा जी, पर वैसे आप बहुत अच्छे लोग हो। वैसे कभी अगर आप पंजाब आओ तो वहाँ पर लाडोवाल पहुँच के पूछ लेना मेहंदी का घर कहाँ है, वो सीधे मेरे घर पर ले आएंगे जी। वेलकम है जी। अच्छा बड़े वाले भाव जी, अल्लाह हाफिज़। अच्छा बीच वाले भाव जी, अच्छा छोटे वाले भाव जी, एक बार हाथ मिला लो जाए जी। अच्छा जी वेलकम, अच्छा मेहरबानी। ये ना आदित्य, एक बार नेहा के घर चलते हैं, शायद वो नहीं गई हो अभी। उसने लिखा था कि वो जा रही है, शायद
चलो। सर, दादा, दादा ये डैन है, कैनेडियन पुलिस, इन्होंने हमारी बहुत मदद की है। दानिश, सिद्धांत, आरसीओ। सर आप यहाँ कैसे? नेहा को मिलने आया था। और तुम लोग? हम भी नेहा को ही मिलने हैं। It's too late, she's dead. क्या? ये नेहा नहीं है। नेहा को किसने हायर किया था? तुमने है, मैंने? यही नेहा है। गाइस, प्रिया की गाड़ी में जो लाश मिली, उस आदमी का नाम हिम्मत मेहंदी था। जो शख्स तुम दोनों के साथ घूम रहा था वही जम्वाल था। मेरा नाम तो जीडी है। बाबूजी जम्वाल कब कहाँ क्यों कैसे क्या करता है ये किसी को पता नहीं होता है जी। जम्वाल साहब देख रहा है, जम्वाल किसी को माफ नहीं करता। अगर वो मर गया तो वो जम्वाल नहीं हो सकता। 10 तारीख के प्लान के मुताबिक उसके लिए 2 रुकावटें, आसिफ और इरफान। और उसने दिल्ली में अल्ताफ को दोनों की सुपारी दी और उसी शाम अल्ताफ गिरफ्तार हो गया। आसिफ और इरफान, जम्वाल के 2 आदमियों ने जम्वाल से बगावत की थी। 10 तारीख से पहले मुझे उन दोनों को कनाडा जाके मारना था क्योंकि वो 10 तारीख को जम्वाल का काम खराब करने वाले थे। और उसी रात यहाँ कनाडा में हिम्मत मेहंदी और जम्वाल का कार एक्सीडेंट हुआ। हमारी एजेंट नेहा जो दोनों का पीछा कर रही थी, जम्वाल को नहीं जानती थी, सिर्फ हिम्मत को जानती थी और उसने ये इन्फॉर्मेशन मुझे दी। आदित्य और शशांक, तुम दोनों यहाँ आए हिम्मत को गिरफ्तार करने के लिए और गिरफ्तार हो गया जम्वाल। और जम्वाल ने तुम दोनों से वही चीज कराई जो वो अल्ताफ से कराने वाला था। इरफान को तो हमने मारा। लेकिन आसिफ तो सुसाइड नहीं, आसिफ को जम्वाल ने हमारे सामने ही मारा। बंदूक उसने नहीं चलाई तो क्या हुआ? लेकिन उस वक्त आसिफ के सामने हिम्मत नहीं, खुद जम्वाल था। अरे पता था क्यों नहीं है? उसके पास और कोई रास्ता ही नहीं था। तुम दोनों के आने की खबर उसे पहले ही मिल चुकी थी, इसलिए नेहा को मार कर उसकी जगह किसी और ने ले ली। 2 देशों के 4 सीनियर ऑफिसर्स को जम्वाल ने अपनी उंगली पर घुमाया। वाकई बहुत बड़ा है जम्वाल। और उसका प्लान क्या है ये कोई नहीं जानता। सर ये सारे फोन नंबर्स अगले आधे घंटे में इतनी इन्फॉर्मेशन देंगे जितना आप सोच भी नहीं सकते। राइडू साहब? जी हाँ सर। पहले 3 नंबर्स इंडस्ट्रीज मिनिस्टर सूर्यकांत रायडू के हैं। और अगर ये बात सच नहीं निकली तो मैं सूली पे चढ़ने के लिए तैयार हूं। ओके, ये फोन मैं टैप करवाता हूँ। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। और सर टीवी देखना मत भूलिएगा। टीवी? ओके। जोसेफ, अल्ताफ को नीचे लेकर आओ। और सुनो, रजिस्टर में एंट्री मत करना।
निकलो। जाओ अल्ताफ, तुम आजाद हो। मैं यहां से टीवी स्टेशन जा रही हूं। ठीक 5 मिनट बाद एक लाइव टेलीकास्ट में मैं ये बयान दूंगी कि तुमने मुझे 5 लोगों के नाम बताए। मैं झूठ बोलूंगी, फिर वो लोग जिनके लिए तुम काम करते हो तुम्हें दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढ कर मार देंगे। मेरा झूठ भी पकड़ा जाएगा, लेकिन मरोगे सिर्फ तुम। जाओ, तुम आजाद हो। या एक और रास्ता है, टीवी पर बयान तुम दोगे, फिर तुम्हारी जान बचाने का वादा मैं करती हूँ। जल्दी सोचो अल्ताफ, मेरे पास वक्त बहुत कम है। अल्ताफ ने कुछ ऐसे लोगों के नाम बताए हैं जिनकी प्रशासन और सरकार में बहुत इज्जत है। आइए बात करते हैं अदिति कुमार से। अदिति, इस सवाल का जवाब आपको अल्ताफ खुद देंगे। हेलो, ये क्या इंटरव्यू हो रहा है टीवी पर? हेलो 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 सर, हाउ आर यू? किसका नाम बोला? अच्छी तक तो करते हैं। मैंने देखा है। अरे रे, नाम किसका बोला? अरे सुना यार, मेरा नाम बोला क्या? आप समझने की कोशिश कीजिए, हमारा टेलीफोन टैप हो रहा है। नहीं नहीं, मेरा नाम बोला? आप चुप रहिए सर। तुम्हारा नाम? प्लीज डिस्कनेक्ट द लाइन। फिर किसका नाम? व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड सर? अरे सब मर जाएंगे इधर। चुप चुप चुप। अरे तुम क्या? लेकिन सर, आप इतनी एश्योरिटी के साथ कैसे कह सकते हैं कि जम्वाल के प्लान में जीत इतना इंपॉर्टेंट वर्ड है? मरने से पहले रॉय ने बताया था कि उस वर्ड में कुछ ना कुछ छुपा हुआ है। सिगरेट पी तुमने? नहीं। हाँ सर, और क्या कहा था रॉय ने? ज्यादा नहीं, लेकिन एक आदमी का नाम था बिलाल मसूद। ये बिलाल मसूद कौन है? पता नहीं। वॉच दिस। अंग्रेजी में 26 अल्फाबेट्स होते हैं, ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, वैसे ही जे दसवां। जे दसवां, ई पांचवा, मतलब 10 मई, ई पांचवा शायद 5 बजे, और टी 20वा। But what's 20? यही तो पता करना है। Give me a second guys, I want to show you something. दस मई 5 बजे मैक मेहोन स्टेडियम में। ये क्या है? इट्स अ फुटबॉल स्टेडियम। लेकिन हाँ, कल 5 बजे 20,000 से 25,000 लोग इंडियन प्राइम मिनिस्टर को वहाँ फेलिसिटेट कर रहे हैं। 25,000? सर हमारी फर्स्ट इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक 25,000 लोग मारे जाएंगे। शायद वहाँ पता चले 20 क्या है। मैक मेहोन स्टेडियम का है।
evening, and we have a wonderful crowd of 25,000 people already here to enjoy the game. Dilip? McMahon Stadium में आप सबका स्वागत है। भारत और कनाडा के बीच ट्रेड टाइज की एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए आज की ये शाम एक मैच और उसके बाद कुछ कल्चरल प्रोग्राम। भारत के प्रधानमंत्री कुछ ही देर में यहाँ पहुँचने वाले हैं। आज की इस एक्साइटिंग इवनिंग को आप तक लाने के लिए मैं और रॉजर आपके साथ। Dan, where are you? I'm backstage. थोड़ी देर में फुटबॉल मैच शुरू हो जाएगा, उसके पहले एक कल्चरल शो है। I'll keep you informed. Okay, I'll be in the VIP area. तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरे बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं। I'm getting late. I'll see you later. Okay. कि उनके देश के प्रधानमंत्री स्वयं यहाँ ये मैच देखने आए हैं और मैच की शोभा बढ़ा रहे हैं। Yes, of course. And he's just only one of the 50,000 in the stadium right now. And there's also great weather. Yeah, Roger, coming to the weather, I was talking to someone over the guy last night, and they said it's a very kind of weather. They are over here, and they're just watching the match up from the heavens. सर, नेहा की सीट के नीचे एक रिमोट कंट्रोल मिला है जिससे एक बॉम्ब ट्रिगर किया गया। हाउ मच टाइम सर? 20 मिनट्स। सर, हमें बॉम्ब का साइज पता नहीं, स्टेडियम को इवैक्यूएट करना चाहिए। इम्पॉसिबल। 20 मिनट में लोगों को इवैक्यूएट करना नामुमकिन है। द ओनली वे इज फाइंड द डैम बॉम्ब एंड डिफ्यूज इट। कॉपी दैट सर। डैन, वेयर आर यू? डैन, यस सिदान। यहां का सिक्योरिटी इंचार्ज कौन? सिक्योरिटी लुक फॉर एडलर। एडलर? हां आदित्य। या तो वही चेक करो। हाँ, कार पार्क में ही होगा। आई एम ऑलरेडी इन द पार्किंग लॉट। डैन, 100%, क्योंकि कल रात से सिक्योरिटी यहाँ बहुत ज्यादा है। तो वही चेक करो, वही ढूंढो, यू गेट इट देयर। ओके ओके, आई विल कीप यू पोस्टेड। हू इज एडलर? या चेक ओवर देयर। हू इज एडलर? आई एम एडलर। लिसन, देयर इज अ बॉम्ब इन द स्टेडियम, वी नीड बैकअप। ओके? या कम विद दैट, आई विल टेल यू ऑल अबाउट इट। बॉम्ब का कोई पता नहीं। वन सेकेंड, कार नंबर 20। There are four guys looking around for the jeep. सर, सर स्टेडियम में चार आदमी बॉम्ब के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। उनमें से एक एडलर के पास आया था जिसे हमने कैप्चर कर लिया है, और स्टेडियम में हमने अपने सारे आदमियों को अलर्ट कर दिया है। लेकिन सर, हमें बॉम्ब की लोकेशन इमीडिएटली बदल देनी चाहिए। ओवर एंड आउट। हमारे साथ फिर से धोखा हुआ। क्यों, क्या हुआ? ये बम नहीं, बम की फैक्ट्री है। फटने खुलेगा नहीं था। कितना बड़ा है? Dan, this is C4 TFX H4 insulated bomb. Diffuse होगा? Dan, this is C4. एक ब्लॉक 15-story बिल्डिंग को उड़ा के रख सकता है। हमारे पास 10 है, 10। Diffuse होगा? पूरा स्टेडियम, Dan, पूरा स्टेडियम। कितने मिनट बाकी है? 17 मिनट, और इतने कम समय में मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। 17 मिनट। डैन, इसे आबादी के एरिया से बाहर ले जाना पड़ेगा। जामेला, 20 मिनट की दूरी है यहाँ से, कोशिश करेंगे। तुम गाड़ी लेकर कार पार्किंग के बाहर आओ। ओके, आई मीट यू देयर। लेट्स रॉक। Sit down there. Behave like a good boy.
मिनट बाकी है। शशांक, डैन का कुछ पता चला? पता नहीं सर, भी जवाब नहीं दे रहे। मैं आ रहा हूं। Where's the car? Where's the damn car? मेरे सारे बच्चे इनके पास हैं। ये लोग उन्हें मार डालेंगे। प्लीज डैड, मेरे बच्चों को बचा लो। डैड, मैं स्टेडियम के बाहर आ चुका हूँ। Where are you, Dad? Where are you? Come in, God damn it! I'll check it. What the hell was that? Dan, come in. मेरे पास वक्त बहुत कम है, Dan. Which way do I go? Shit. कहाँ ले जा रहे हैं आप मुझे? अरे, 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 मैंने किया क्या है? तू ही बता, तूने क्या किया? अरे क्या मतलब क्या आपका? अरे भाई साहब, देखिए भाई साहब, मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, क्या करके आ रहे हैं मेरे साथ? हाँ? मैं तुम्हें मारते रहता हूँ, और जब तुम थक जाओ, तब बता देना। सिद्धांत सर, सिद्धांत सर, come in, सिद्धांत सर, where are you? आदित्य, बिलाल मसूद मिल गया। लगता है वैली तुम्हें खुद ढूंढना पड़ेगा। ओवर। बता दे, बता दो, बता दो। Get the jeep back or I'll blow your head off. आदित्य। Dad, come in. आदित्य, गाड़ी लेकर वापस आ जा। Dad, मेरे पास सिर्फ 10 मिनट है और रास्ते का कोई अता पता नहीं है। आदित्य, गाड़ी लेकर वापस आ जा, वरना ये लोग नए लोग बच्चों को एक एक करके मारना शुरू कर देंगे। मुझे वो बच्चे वापस चाहिए डैन, प्लीज डैन, प्लीज। मुझे पता भी नहीं था इसमें ये सब है। मुझे तो सिर्फ गाड़ी चेंज करने के लिए पैसे दिए गए थे। शशांक, गोपो शशांक, सिद्धार्थ की कोई खबर? पर यहाँ एक और प्रॉब्लम है। क्या हुआ? एक और बॉम्ब, सेम साइज। कितने मिनट? 8 मिनट। गाड़ी से रेसिडेंशियल एरिया के बाहर निकलना नामुमकिन है। सड़क के उस पार एक फ्लाइंग क्लब है।
देखो क्या हो सकता है। कॉपी कर। सर, सर पहली गाड़ी अभी तक स्टेडियम में वापस नहीं आई और दूसरी गाड़ी के बारे में भी इन्हें सब कुछ पता चल चुका है। सर, हमारे ज्यादातर आदमी या तो मारे जा चुके हैं या घायल हैं। मुझे नहीं लगता सर, हमारी दोनों गाड़ियां स्टेडियम में टाइम पर वापस पहुंचेंगी। मिशन फेल्ड सर। आई रिपीट, मिशन फेल्ड। Floor 5. Siddharth Dheer, anti-terrorist cell, Delhi. Relax, officer. Himanshu Verma, Canadian Police Special Agent. आपके यहाँ आने की वजह? मैं एक टेररिस्ट की तलाश में हूँ सर। जम्वाल? Yes, sir. हम दोनों को यहाँ पहुँचने में थोड़ी देर हो गई। नॉर्थ और साउथ विंग में चेक कर चुका हूँ, लेकिन वो अभी भी इसी फ्लोर पे है। आप ईस्ट जाइए, आई टेक द वेस्ट। ओके सर। हियर यू आर। नाइस मीटिंग यू सर। नाइस मीटिंग। जो मौत तुम हजारों के नाम लिखकर आई हो वो अपने साथ ले जा रहा हूं। शशांक, तुम जानना चाहो या नहीं, लेकिन मैं भी प्यार करने लगी हूं तुमसे। जी नहीं सकी पर जान दे सकती हूं तुम्हारे साथ। आप दिल्ली से हो सर? मैं क्यों? नहीं सर, आई स्टडी इन जीवियर्स कॉलेज। हमारे टीचर्स कहते थे कि हाँ, हमारे एक सीनियर थे हिमांशु वर्मा, हु केम एंड जॉइन द कैनेडियन पुलिस फोर्स। सो यू आर फ्रॉम सेंट जेवियर्स? यस सर, मैं दो साल वहां पे पढ़ा हूँ। एक्चुअली आई एम फ्रॉम अलाहाबाद। व्हाट अ कोइंसिडेंस सर। एक्चुअली मैं पुलिस वाला बना ही आपके वजह से। गाड़ी बेचने वाले गेट पे लगे फॉरन।
कथुरिया साहब याद है सर? कथुरिया सर? हाँ सर, वो जो नाम भूल जाया करते थे। अच्छा वो, हाँ हाँ, चेहरा तो याद है, नाम नहीं। अगली बार उनको मिला तो कहना मैं उनको याद कर रहा था। श्योर सर। और हाँ, उनसे कहना कि अगली बार इंडिया आऊंगा तो मैं उनसे जरूर साथ में चलेंगे सर। कहानी झूठी थी, पकड़ी गए। आदित्य कम इन। या शशांक, 8 साल के बाद कॉकपिट में बैठा हूं, पता नहीं चला पाऊंगा या नहीं। डोंट बी सिली या शशांक, तू मैनेज कर लेगा। चारों ओर दूर दूर तक सिर्फ आबादी है, इतने कम वक्त में बाहर नहीं निकल पाऊंगा यार, कोई रास्ता नहीं दिख रहा। यू विल मैनेज शशांक, कम ऑन। मैप में एक ही लेक है जो 3 मिनट की दूरी पे है, लेकिन उसके आसपास बिल्डिंग्स और घर हैं। और लेक इतनी छोटी है कि बॉम्ब को गिरा भी नहीं सकते, प्लेन को क्रैश करना ही होगा। अरे पागल हो गया क्या शशांक? अरे बॉम्ब को कहीं पर भी गिरा दे यार, जान के ऊपर थोड़ी हो सकता। लुक नॉर्थ ईस्ट शशांक, लुक नॉर्थ ईस्ट, कैन मोर। डैन, मैंने अभी टेक ऑफ किया, वहां तक नहीं पहुंच पाऊंगा, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अरे पागल हो गया क्या शशांक? बॉम्ब कहीं पे भी गिरा दे यार। आदित्य ठीक कह रहा है शशांक, ड्रॉप द बॉम्ब। बॉम्ब अगर कहीं भी गिरा दे तो स्टेडियम से ज्यादा लोग मरेंगे। अरे गिरा दे यार बॉम्ब कहीं पे भी यार। क्या तू कूदेगा गाड़ी से अगर तू वैली तक नहीं पहुंचा? नहीं। तू बहुत प्यारा इंसान है। पता, मैं तुझसे इसलिए नहीं चिढ़ता था कि तूने अनु से शादी नहीं की, इसलिए चिढ़ता था कि अनु को तुझसे अच्छा इंसान नहीं मिलता। सॉरी यार शशांक, मैं भी कितना बेवकूफ इंसान निकला, क्या पुलिस वाले शादी नहीं करते क्या? अनु का ख्याल रखना, बहुत प्यारी बच्ची है। ए शशांक, अनु का ख्याल हम दोनों रखेंगे, पागल जैसी बातें मत करो। शशांक, डोंट बी क्रेजी शशांक। शशांक, शशांक, फाइंड अनदर लोकेशन शशांक, कोई जंगल होगा, कोई डेजर्ट होगा, इट्स अ ब्लडी ऑर्डर शशांक। कुछ नहीं है सर, सिर्फ ये लेक है, आई नीड योर परमिशन। शशांक, डोंट बी क्रेजी शशांक। भैया आप उसे परमिशन मत दीजिए, मत दीजिए। आदित्य बेवकूफ मत बनो। सर, आई नीड योर परमिशन। सर, आप हमेशा उसे हाँ कहते, आज आपको ना के नहीं पड़ेगा, के नहीं पड़ेगा सर। आदित्य, और कोई रास्ता नहीं है। अरे बॉम्ब कहीं पे भी गिरा दे यार शशांक, व्हाट नॉनसेंस इज दिस? पागलों जैसी बातें मत करो, तुम जानती हो तुम क्या कह रहे हो, हजारों लोग मारे जाएंगे। शशांक, ड्रॉप द बॉम्ब। भाई आप उसे परमिशन नहीं देंगे, नहीं देंगे। बेकार की बात मत कर, क्या तू मानेगा? अरे मेरा क्या है यार, मेरे घर में कोई इंतजार नहीं कर रहा है, ना माँ है ना बाप, जितना प्यार मिल रहा था तुम सबसे मिला यार, तू मेरी चिंता मत कर शशांक। सर वक्त बहुत कम है, आई नीड योर परमिशन नाउ, आई नीड टू गो अहेड नाउ। Is there any other alternative, Shashank? Siddhant, don't, Siddhant, please don't give him the permission. वो तुम्हारा भाई है। नहीं सर, और कोई alternative नहीं है। अरे गिरा दे यार बॉम्ब कहीं पे शशांक, लेकिन तू उस प्लेन से निकल, निकल तू उस प्लेन से। सर please. I need your permission now. You can't do that, goddammit. Sir, we have very little time. You can't do that, goddammit. कुछ नहीं है। You can't leave me, Shashank. You can't leave me. गिरा दे बॉम्ब कहीं पर भी। Let the people die, Shashank. मैं अकेला हो जाऊंगा बेटा, तू ऐसा नहीं कर सकता। You can't do this, sir, God damn it. I need the permission, sir, please. You can't do this. दादा, आज आपको ना क्या नहीं पड़ेगा सर, क्या नहीं पड़ेगा? Don't, Siddhant. Siddhant, don't. दादा, please. Please. जा बेटा। भाई आप उसे permission मत दीजिए। You can't do that. दादा एक बात बोलूं, आप जब बेटा बोलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। आपसे एक झूठ बोला था, कभी कभी सिगरेट पी लेता हूं। अगले जन्म में मुझे अपना बेटा बनाकर बुलाना। लव यू दादा। आई लव यू, आई लव यू बेटा।
over and out. Shashank! Shashank! थे मेरी जिंदगी के सबसे मुश्किल 7 दिन। धीरे धीरे सब कुछ शायद पहले जैसा हो गया। बस मेरा भाई, मेरा बेटा, वो पता नहीं कहां चला गया।